फाइनली थिएटर में रिलीज हो चुकी है रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म एनिमल, और हमने देख भी ली है। आते ही धूम मचा दिया है इस फिल्म ने। आपको देखनी चाहिए कि नहीं ये फिल्म? चलिए हम आपको 10 ऐसे रीजंस बताते हैं जिसके कारण आपको ये फिल्म देखनी ही चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। ये फिल्म पूरा पैसा वसूल फिल्म है, आपका एक मिनट भी खराब नहीं होगा। फिल्म देखने के बाद आपको ऐसा ही लगेगा कि काश ये खत्म नहीं होता, आपका एक एक पैसा वसूल हो जाएगा। इस फिल्म को देखने के बाद ये हमारी गारंटी है। फिल्म पूरे 3 घंटे 21 मिनट की है। फिल्म की रिलीज से पहले लोग यही कह रहे थे कि कहीं बोर न हो जाए, लेकिन फिल्म देखते समय आपको लगेगा कि ये 3 घंटे 21 मिनट चंद मिनटों में बीत गए, एक पल के लिए भी आपको बोर नहीं होगा। एनिमल में रणबीर ने अपने करियर की अभी तक की अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। एनिमल के किरदार में पूरी तरह घुस गए हैं रणबीर। उनका खूंखार रूप जब स्क्रीन पर आता है तब बस देखते रहने का ही मन करता है। फिल्म में हर इमोशन को बखूबी निभाया है रणबीर कपूर ने। अगर डायरेक्शन की बात करें तो क्या ही लाजवाब डायरेक्शन है। डायरेक्शन बोले तो एकदम माइंड ब्लोइंग। संदीप रेड्डी वंगा अपना काम बखूबी जानते हैं और उस काम में उनसे बेहतर कोई नहीं। जितनी तारीफ हम रणबीर की कर रहे हैं, बॉबी भी उतनी ही तारीफ के हकदार है। उनके कैरेक्टर की इंटेंसिटी देखकर आप हक्का बक्का रह जाएंगे, फिर से एक बार बॉबी की एक्टिंग के दीवाने हो जाएंगे आप। अनिल कपूर, आहाहा, क्या ही कमाल के एक्टर है वो। अपने कैरेक्टर को उन्होंने पूरी तरह से जस्टिफाई किया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि एक्सपीरियंस की क्या कीमत होती है। अगर आपको लगता है कि कबीर सिंह संदीप रेड्डी वंगा की सबसे ज्यादा वायलेंस वाली फिल्म है तो गलत फहमी में है आप। आइए और एनिमल देखिए। संदीप रेड्डी वंगा, व्हाट अ क्रेजी डायरेक्टर। इतना तो पक्का है कि बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली है ये फिल्म। 400 से 500 करोड़ तो कहीं नहीं गया, उससे ज्यादा भी जा सकता है क्योंकि फिल्म की कहानी ही ऐसी है। रश्मिका मंदाना भी अपने कैरेक्टर की डिमांड बखूबी जानती है। उन्हें जो करने के लिए कहा गया है उन्होंने एकदम बढ़िया किया है। एक्शन और इमोशन से भरपूर है एनिमल। एक्शन के मामले में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है, लेकिन इमोशन के पल भी बड़े ऑर्गेनिक लगते हैं। एनिमल का हर एक मिनट देखना वर्थ है, आप एक भी सीन को मिस नहीं कर सकते, खास तौर पर फर्स्ट और लास्ट सीन। फिल्म की ड्यूरेशन एकदम जायज है। ये फिल्म ओवरऑल आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगी। और हाँ, फिल्म का एंड क्रेडिट देखना ना भूले। तो कब जा रहे हैं आप फिल्म देखने, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही ताजा तरीन चटपटी खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।